रतन इंडिया पावर के रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टर वन के, तो चलिए चेक करते हैं प्रॉफिट में रिजल्ट आए हैं अब की बार या लॉस में, और आगे शेयर प्राइस में क्या इंपैक्ट देखने मिलेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो में तक बने रहिए। सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट, यहाँ पे जो भी आंकड़े हैं वो करोड़ में है, इस चीज पे फोकस रखिएगा। तो देखते हैं इस क्वार्टर में कितनी इनकम आई है। 922 करोड़ के आसपास इनकम इस क्वार्टर में आई है, पिछले क्वार्टर में 1032 करोड़ की आई थी और एक साल पहले देखेंगे तो 950 करोड़ की इनकम आई थी। तो अब की बार जो इनकम है क्वार्टर क्वार्टर पे भी कम है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखें तो कम देखने को मिल रही है। एक्सपेंस की बात करें तो अब की बार कंपनी ने एक्सपेंस जो है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम खर्च किया है और पिछले साल की तुलना में देखें तो भी कम खर्च। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो इनकम है कंपनी की पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है अब की बार, लेकिन अगर एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की तुलना में बिल्कुल आस पास है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंस ज्यादा खर्च किया है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लॉस यहाँ पे कंपनी का बढ़ चुका है। पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ का लॉस था, अब की बार देख सकते हैं 389 करोड़ का लॉस है और पिछले साल देखें तो 824 करोड़ का लॉस था। तो कह सकते हैं लॉस के आंकड़े अभी भी देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ चुका है लेकिन साल दर साल की तुलना में देखें तो लॉस थोड़ा सा कम है। अब फाइनल लॉस की बात करते हैं आफ्टर पेइंग टैक्स, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 389.30 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ का लॉस था और एक साल पहले 824 करोड़ का लॉस था। तो वही यहाँ पे भी सेम आउटपुट है, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो डेटा है पीबीटी वाला और यहाँ जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस है दोनों सेम है। बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 72 पैसे माइनस में अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में देखे तो -0.57 था और एक साल पहले देखे -1.54 था। तो यहाँ से भी आपको अर्निंग पर शेयर में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो चुका है। कंपनी का स्टैंड लोन रिजल्ट देखें तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको पिछले क्वार्टर की तुलना में वीक देखने को मिल रहा है लेकिन पिछले साल की तुलना में अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं स्टैंड लोन की बात करें हम चाहे कंसोलिडेटेड की बात करें, दोनों में अब की बार जो नतीजे हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और आगे के लेवल समझते हैं। आ चुके स्टॉक के चार्ट में, यहाँ पर एक लेवल है 3.50 रुपए, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है इसके नीचे स्टॉक जाता है तो और ज्यादा इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, बहुत कम चांसेस है इसके नीचे जाने की। तो यहाँ से अगर ये 3.50 तक टच करता है यहाँ पे तो फिर से ऊपर आ सकता है, इसकी पूरी संभावना मुझे लग रही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें करेक्शन आ चुका है। 8 रुपए से गिर करके स्टॉक 3.90 रुपए आ चुका है, तो इसमें ऑलरेडी ये करेक्शन आ चुका है। इसका जो RSI इंडेक्स है वो भी बहुत कम हो चुका है, तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पे खरीदा है उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। एक क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, आगे चल के कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक आगे भागते हुए देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ब्रेकआउट ट्रेड आपको लेना है तो आप हमारे चैनल पे मेंबर बन सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट हिल का जो चैनल उस पर मेंबर बन लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हम आपको ऐड कर लेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। उसके बाद हम जो भी स्टॉक ब्रेकआउट देने वाला होगा या दे चुका होगा और अच्छा मोमेंटम मिलने वाला होगा उस स्टॉक का नाम हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे विद SLN टारगेट, तो वहां से भी आप पैसा बना सकते हैं। तो ज्वाइन बटन है, फटाफट से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आपको स्टॉक में पेशेंस रखना होगा, पावर सेक्टर जब डिमांड में आएगा तो स्टॉक भी 8 रुपए तक चला जाएगा, जितने भी लॉसेस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, एज अ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। आज के दिन बात करें तो 31 लाख के आसपास वॉल्यूम आया और 19 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई है, 61% यहाँ पे डिलीवरी आज के दिन उठाई गई है। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स जब भी आपको 50% के ऊपर डिलीवरी देखने मिले समझ जाइए बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे डिलीवरी उठा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं क्योंकि जब बड़े लोग यहाँ पे नहीं घबरा रहे हैं तो आपको घबराने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।